हमीरपुर जिला में बड़े सांपों को गोली से मारने के दो अलग अलग वीडियो वायरल होने पर लोग सहमे हुए हैं। इन वीडियो के वायरल होने पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करके पुलिस में FIR दर्ज करवाई है, जबकि दूसरे मामले की वन विभाग पड़ताल कर रहा है। DFO हमीरपुर LC बन्ना ने बताया कि वायरल मामलों में विभाग कार्रवाई कर रहा है और पहले मामले में कांगो के पास कोहना गांव में पुलिस FIR के बाद अजगर का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भेजा गया है। हमीरपुर जिला के कांगो के पास घर में घुसे अजगर को गोली से मारना एक ग्रामीण को महंगा पड़ा है। सोशल मीडिया पर कांगो क्षेत्र के गांव कोहना में एक घर में करीब 25 फीट लंबा अजगर घुस गया था, जिस कारण लोग डरे हुए थे। घर के आंगन में घर वालों द्वारा मक्की तोड़कर रखी हुई थी, जिसमें वह छिपा हुआ था। जब घर वाले मक्की को उठाने लगे तो विशालकाय अजगर देखकर हैरान रह गए। आनन फानन में लोगों की भीड़ जमा हो गई और एक ग्रामीण ने बंदूक से अजगर को मार गिराया। अजगर को मारने का सारा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया और वन विभाग ने पुलिस में इस बाबत शिकायत दर्ज करवाकर अजगर के शव को जंगल से कब्जे में ले लिया है। वन विभाग की DFO LC बन्ना ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद वन विभाग ने अजगर के शव को कब्जे में ले लिया है और उन्होंने बताया कि वन विभाग के द्वारा पुलिस को सूचना देने के बाद गोली से मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अजगर के शव को पालमपुर में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। हाँ जी, जो पाइथन मारने का वही वीडियो वायरल जो है वो कल हमें आए हुए थे, तो हमने पूरा स्टाफ को अलर्ट किए थे कि वो कौन सा जगह पर हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र में आते हैं या नहीं है करके। तो स्टाफ ने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो वीडियो जो है नदोन रेंज का एक कांगू क्षेत्र का छनाई पंचायत में बरियल गांव होते हैं, तो उधर हुआ है ये इंसिडेंट करके वो लोग ने आइडेंटिफाई हुए थे। और कल लेट इवनिंग को उन्होंने मौके पर जाकर इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, और जो गोली चला रहे थे पाइथन के ऊपर वो बंदा को कोई वीर सिंह नाम का उधर गांव का ही बंदा निकले हुए थे। तो इनके ऊपर वो लोग ने मौका पर पुलिस को भी बुला के पूरा जांच किए थे, और जो वो लोग ने मारने के बाद उसको जो डंपिंग किया हुआ है तो उधर से पूरा रात तक इसको एक्सकावेट किए हुए थे पूरा अंदर से, और उसको पुलिस का इसमें कस्टडी में लेके चले गए थे। तो आज भी वही कार्रवाई चले हुए, इनका पोस्टमार्टम इसमें गोली लगे हुए, क्योंकि वीडियो में दो गोली लगाया हुआ था, तो उसको गोली निकालने का पोस्टमार्टम करने का अभी पालमपुर का इसमें गए हुए हैं, स्टाफ भी गए हुए, पुलिस भी गए हुए, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई किया हुआ है, FIR लॉन्च किया हुआ है जो बंदा इन्वॉल्व है इसके ऊपर। हाँ जी, ये काफ़ी मतलब ये हुआ था, दो वायरल देखा था, एक पेड़ में मारते हुए भी था, तो वो तो हमें यहाँ का क्षेत्र का भी बताया नहीं है और हमें उस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जो सेकंड वीडियो जो कल आए थे, कल ही हमें आए थे और हमने कल ही शाम तक मतलब स्टाफ को सब अलर्ट हो गए थे, तो वो लोग ने जगह पर देखा तो वही उधर का कांगू क्षेत्र का निकला हुआ था, और पाइथन बहुत बड़ा सा था, कोई घर के इसमें बैल्कोनी में जाते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उसमें गोली मारे हुए थे। तो ये इनका लंबाई चौड़ाई जो है वो अराउंड 10 फीट के अंदर है, अराउंड 8 to 10 फीट बताए थे मेरे को, क्योंकि वो जो हमने जो देखा था तब तो ऑलरेडी उधर से एक्सकावेट करके निकाला हुआ था, तब मेजर किया हुआ था। तो उसके ऊपर SHO नदोन की इसमें पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला ये जांच के लिए और इसको FIR लॉन्च कर दिया हुआ है। मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।